Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Vikas Sally. I am currently MBBS third year student at GMC Doda. तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है. ऑल्दो इट्स नॉट डिफरेंट करंटली बट मैं इस चीज़ पे वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ. बट आज मैंने सोचा कि आज बना ही देते हैं, आज आपके लिए एक वीडियो इसमें भी आपको पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग फ्यूचर MBBS, कुछ हिडन शॉक्स जो MBBS में हैं जो आपको अभी तक पता नहीं होगा, एंड MBBS में लाइफ कैसी जाती है और MBBS में क्या करना पड़ता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई वॉज इनरोल्ड इन दिस MBBS कोर्स बैक इन 2020 दिसंबर. तो आज हम प्री फाइनल में पहुंच चुके हैं एंड प्री फाइनल में अभी हमारी स्टडीज चल रही हैं. सो इन कमिंग वन और टू ईयर्स वी विल बी फिनिशिंग दिस MBBS. ओके, सो फर्स्टली अगर हम देखेंगे MBBS में होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर. फर्स्ट ईयर में आपके तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, यू नो ऑल, यू मे हैव गैदर्ड दिस इन्फॉर्मेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होती है. सेकंड ईयर में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज पैथोलॉजी होती है, फार्माकोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है. थर्ड ईयर में चार सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन होती है, कम्युनिटी मेडिसिन होती है, ENT होते हैं एंड ऑप्थमोलॉजी होते हैं, एंड रिमेनिंग ऑल अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द फाइनल ईयर. ठीक है, ये अब तक है, मतलब जो हमारा सीनियर है, मतलब हमारा बैच है, इससे आगे मतलब 2021 और 2022-23 का बैच है, इनके लिए ऐसे है. बट 2023-24 यानी जो इस साल सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए NMC ने कुछ चेंजेस लाई हैं और NMC ने उनके जो प्रोफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंज लाए हैं, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंज लाए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होता है जिसके बाद आप इंटर्नशिप करके MBBS डिग्री हासिल करते थे उसमें एक मेजर चेंज लाई है जो जानना आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल टू मेक यू अवेयर एट द वेरी अर्लीस्ट पॉइंट. सो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जैसे हम करते हैं वैसे आपको करना है पास थ्री सब्जेक्ट्स एट ऑल. बट जो आपका थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर है दे हैव बीन कंपाइल्ड टुगेदर और उसको फाइनल ईयर बोला गया, मतलब आपके पास है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर. टाइम ड्यूरेशन में उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाई है बट यू हैव फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर. अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इज अलाइक, जैसे हम गुजारते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो हमें करना पड़ता है वैसे भी आपको वैसे ही आपको करना पड़ता है. यानी ये छह सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे जो कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और इनके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन देंगे, इनके प्रैक्टिकल सीखने होंगे और दैट्स इट जो आपको फर्स्ट टू ईयर्स में करना पड़ेगा. बट मेन है जो आपका फाइनल ईयर है जो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन फॉर 10 मंथ्स. ये दो सब्जेक्ट सिर्फ 10 मंथ्स के लिए आपको पढ़ना होगा एंड पार्ट टू इसमें रखा गया ऑल अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जिसमें आपकी ENT आएगी, ऑप्थमोलॉजी आएगी, सर्जरी आएगी, मेडिसिन आएगा, ऑब्स्टेट्रिक्स आएगी, पीडियाट्रिक्स आएगी, गायनेकोलॉजी आएगा, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे क्लिनिकल वाले. तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए रखे गए हैं 18 मंथ्स, यानी वन एंड हाफ ईयर रखा गया है आपके लिए फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर. और जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो फॉरेंसिक मेडिसिन है और कम्युनिटी मेडिसिन है इनके लिए रखा गया है आपको 10 मंथ्स इन द फाइनल ईयर. उसके बाद अब आप सोचोगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आपको फाइनल ईयर एग्जाम देना है एंड दैट्स इट, उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे एंड यू विल बी हैंडेड ओवर योर MBBS डिग्री. बट अब वैसा नहीं है एंड दिस मे अप्लाई टू अस आल्सो, बट आई एम मेकिंग यू पीपल अवेयर ऑफ दिस थिंग. मे बी आपको अभी इस चीज़ का पता नहीं होगा. अब क्या है कि जब आप फाइनल ईयर का जो कोर्स है वो कंप्लीट करोगे, मतलब 18 मंथ्स आप दोगे अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जामिनेशन ही नहीं होगा. NMC या एम्स या कोई और अदर कंडक्टिंग बॉडी एक एग्जाम कंडक्ट करेगी, दैट्स कॉल्ड इज नेक्स्ट NEX, नेशनल एग्जिट एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे समझो आप, नेशनल एग्जिट टेस्ट आप बोल सकते हो उसको. तो उस नेक्स्ट में क्या है, उस नेक्स्ट में आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम ऑल अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और आपको वो पास करने होंगे. जब आप वो पास करोगे उससे आपका जो स्कोर आएगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि जो उससे आपका स्कोर आएगा दैट स्कोर विल बी वैलिड फॉर टू थिंग्स. यू विल बी एलिजिबल फॉर टू गो इन टू द इंटर्नशिप, यानी आप इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल हो. एंड सेकेंड थिंग इसमें जो है दैट इज़ योर स्कोर विल बी डायरेक्टली इम्प्लाइड, वे विल बी डायरेक्टली इंडिकेटिंग कि आपको PG में कौन सी सीट मिलेगी. मतलब जो नेक्स्ट वन आप दोगे, जो आप फाइनल ईयर कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट. नेक्स्ट के दो पार्ट्स हैं, नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू. नेक्स्ट वन जब आप देते हो, नेक्स्ट वन आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बेस पे आपको जो व्हाट इज कॉल्ड क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन द MCQ फॉर्मेट, तो वो आपको पास करना होगा और वहाँ से जो आपको स्कोर मिलेगा उस स्कोर के बेस पे आप एक तो इंटर्नशिप करोगे और उसी स्कोर पे आपको PG सीट डिसाइड हो जाएगी. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में, उसमें हर एक सब्जेक्ट में मिनिमली टू क्वालिफाई द नेक्स्ट वन मिनिमली आपको 50% मार्क स्कोर करने हैं इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. वन थिंग. सेकेंड थिंग, मान लो अगर आपको नेक्स्ट वन क्लियर हो गया, मतलब आपको स्कोर जो भी होगा वो मिल गया आपको स्कोर, बट यू आर नॉट कि आप एट दैट स्पॉट कि आपको कोई PG सीट मिल गई, मतलब आप क्वालिफाई कर गए बट PG सीट नहीं मिल पाई आपको क्योंकि कोटा तो आपको पता है बहुत लिमिटेड कोटा होता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से नेक्स्ट वन में बैठना है. अब नेक्स्ट वन में, मान लो नेक्स्ट वन में इन द फर्स्ट स्टेप आपने स्कोर किया था फॉर एग्जाम्पल 60%, और नेक्स्ट टू में फॉर एग्जाम्पल आपने स्कोर किया है 80%. नाउ यू विल बी थिंकिंग ऑफ कि 80% ऑफ द स्कोर इन द नेक्स्ट वन सेकेंड अटैम्प्ट में आपको मिलेगा
पीजी सीट, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। आपका जो एवरेज है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड स्कोर वो निकाल कर जो आपको स्कोर आ गया दैट्स अराउंड 70%, 70% के बेसिस पे आपकी सीट मिलेगी। दिस इज जस्टिफाइड क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स के लिए है। टू सम एक्सटेंट आई कैन से दैट कौन सा इसमें जो स्ट्राइकिंग और जो हर्ट करने वाला चीज़ है दैट इज एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू स्कोर विथ मोर देन 50% और 50%, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो गए, आप नेक्स्ट वन अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप के बाद आपका दूसरा एक एग्जामिनेशन होगा, जैसे वाइवा होता है, जैसे ओरल वाइवा होता है, वैसे क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड आपका एक वाइवा हो जाएगा, एंड दैट वाइवा विल बी जस्ट बेस्ड ऑन पास एंड फेल। जब आप इंटर्नशिप खत्म करोगे उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम हो जाएगा दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू को आपको इधर यूनिवर्सिटी लेवल पे या अपने कॉलेज लेवल पे कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें आपको पास या फेल का जो है ना सर्टिफिकेट देंगे वो कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले बेस्ड ऑन जो उन्होंने आप मैं देखा होगा कि आपके स्किल्स कैसे डेवलप हुए हैं इन द इंटर्नशिप पीरियड। तो नटशल में अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं इस नेक्स्ट एग्जामिनेशन का, नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल रिप्लेस योर जो आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होता था थ्योरी बेसिक, वो अब रिप्लेस होगा बाय एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं नेक्स्ट वन। सेकंड, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं जो एमबीबीएस बाहर कर रहे हैं वहां से आके उनको एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता था, एमसीआई क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन मिलती थी टू प्रैक्टिस ईयर, बट अब उनके लिए भी यही एग्जामिनेशन सेम रहेगा। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द एमबीबीएस स्टूडेंट्स whether they are from India or they are from abroad, this thing। सेकेंड, उसके बाद आपका जो है ना इसमें यह भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हैं डिफरेंटली कर दी गई है एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है। एंड व्हाट इज न्यू हियर इज कि जो आप एमबीबीएस करते थे और एमबीबीएस के बाद सोचते थे फिलहाल कुछ करते हैं उसके बाद पीजी का सोचेंगे, अब लाइक अब मतलब मान लो एक ब्रिजिंग कर दी गई है, एनएमसी ने एक ब्रिजिंग की है कि एमबीबीएस के थ्रू ही आप पीजी पहुंच जाओगे एंड आपको बीच में डिले लेने की मतलब कोई स्कोप डिले लेने का कोई स्कोप ही नहीं रखा एनएमसी ने। सो दिस इज इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।